निक्की देख तेरा नाम लिखा हुआ है, देख क्लाक्सन तक लोग तेरा नाम लिखते हैं यहाँ पर, देख ले तेरा नाम। कहाँ पर जा रही है आज? आज हम ऑगी के फ्रेंड्स के साथ मिलने मलालू बीच जा रहे हैं। आज इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, बस का वेट कर रहे हैं, बस आ गई है और बीच पे जा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है। Hi guys, welcome back to our channel, which is Priyanka Rajan Vlogs. ऑगी देख रहा है कि क्या कर रही मामा। तो आपने कल जो देखा था वो कल मैं डॉक्टर के गई थी। आप लोगों को लग रहा हो कितना डॉक्टर के जाती हूँ, डॉक्टर के मतलब मेरा आयरन इन्फ्यूजन मैंने आपको बताया था ना, तो वही बुक कराने गई थी मैं। तो वो मेरा बुक हो गया है 5th of October का, तो 5th of October को मेरा आयरन इन्फ्यूजन चढ़ जाएगा, तो मेरे में थोड़ी सी और ताकत आ जाएगी, थोड़ी और स्ट्रांग हो जाऊँगी मैं। तो बस यही था और उसके बाद मैं शूट नहीं करा। मैंने सोचा कि मैं 2 दिन एक साथ शूट कर लूँगी क्योंकि हम लोग कल आए लेट हो गए एज यूजुअल, हम ऑलवेज लेट एवरी एवरीथिंग। तो कल कईयों के कमेंट आए थे कि है ना प्रियांगनी है ना जो भी बोलती है बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है और बट हमें अच्छा लगता है। तो हाँ गाइस, क्योंकि हम लोग व्लॉग्स में हम लोग फेक थोड़ी बनना चाहते हैं, हम लोग जैसे हैं हम वैसे ही आपको दिखाते हैं। तो हम लोग जैसे हैं हम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं, हम ऐसे ही सब कुछ करते हैं। और मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, अगर बोलने के बाद रियलाइज होता है मैं व्लॉग में कुछ बोलती हूँ, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, अब आप लोग हमसे जुड़ रहे हो तो जैसे मैं हूँ वैसे आपको देखना चाहिए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और ओगी स्टॉप, अपना पैर खा रहा था, शूज़ खा रहा था, पैर भी शूज़ खा रहा था। तो बस अभी हम लोग, बहुत अच्छा मौसम था तो हम लोग ना यहाँ पे मलालू बीच है पास में ही है, तो वहाँ पे ओगी के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी देर उनके साथ खेलेंगे, फिर ओगी के फ्रेंड्स चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग मैं और ओगी को बढ़िया हम लोग तीनों बैठेंगे। तो बस हम वहीं जाते हैं, अभी मिलाते हैं वहीं पर जाके। ओगी स्टॉप डूइंग दिस, से हेलो। ओगी स्टॉप डूइंग दिस, आई सेड स्टॉप, वॉक कर रहा है, ये 5-6 steps चल लेता है और उसके बाद में नहीं चलता है, तो अभी उसकी प्रैक्टिसिंग चल रही है। प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग ओगी बाबा ओगी। ऐसे क्यों पड़ा है? ओए ओगी, ओगी ऐसे क्यों लेटे हो? देखना तो खुद ही बारी मुंह पे शायद। हाँ। कितना अच्छा हो रहा है पानी, कितना मस्त हो रहा है वाटर। उधर से उधर सुंदर वेदर हो रहा है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर वेदर हो रहा है, बहुत ही सुंदर वेदर हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी गर्मी है ना ओगी पापा। ओगी आपका भी मेन्यू है इसमें, आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए ओगी को? हाँ चूज करो ओगी, ऐसे थोड़ी चूज करना है, आपके ऊपर ही लगा लिया। हाँ क्या लोगे? अच्छा ये खाने हैं। ओगी को क्या चीज खानी है? कुछ है क्या? ये आपका लंच है, आप खा लो उसमें से, मैं आपको प्लेट नहीं दे सकते हम। नहीं पहले वो फिनिश करो ओगी, वो फिनिश करो, फर्स्ट फिनिश दिस वन, नहीं द अदर वन। ओगी
ऑगी आधे से ज्यादा खाना तो ऑगी का रहता है यहाँ पे इसके अंदर, खाना तो है नहीं ये ऑगी। गुड़िया भी फैम को लेके जा रही थी, गुड़िया को गाड़ी नहीं दिखी, मैंने कहा गुड़िया अभी तो भिड़ जाती, अभी गजब वाली भिड़ थी ना। तो अब हमारा जस्ट लंच ओवर हुआ है और हम थोड़ी सी देर ऑगी को थोड़ा सा और गार्डन में खेल लेंगे और फिर हम घर जाएंगे, है ना ऑगी पापा? थोड़ी सी देर आप और खेल लो, बिस्किट लेके आई हूँ उसके लिए, भी उसको मीठा खाने का मन हो रहा था मेरे जैसे, मुझे लगता है कि मुझे मेरा मन हो रहा तो इसका भी मन होता है, तो मैं उसके लिए भी ले लेती हूँ, ऐसे ही बच्चे जैसे खाने वाले। ऑगी आपका बर्थडे इनविटेशन आया है ऑगी के फ्रेंड का, ड्रू का बर्थडे का इनवाइट। हम लोग घर आए और फिर ऑगी को बाथ दिया और उसके बाद वो खूब देर तक पानी से खेला क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो काफ़ी देर तक ना आया और उसको सुलाया तक, तभी वो अभी आज उसको थोड़ा लेट हो गया ना तो वो अभी तक सो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 6:40 हो गए हैं, इसकी सेकंड नैप है आज। आई डोंट नो कब सोएगा, वरना नॉर्मली वो जल्दी सो जाता है रात को, तो आज तो उसकी सेकंड नैप ही लेट हो गई है क्योंकि आज उसकी फर्स्ट नैप भी लेट हो गई थी, तो आज थोड़ा सा उसका चेंज हो गया है, तो बस वो अभी सो रहा है, अभी वो उठेगा तो हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग करने और एक जगह ऑगी का कुछ सामान देखना था वो देख कर आएंगे ऑगी के बर्थडे का, तो वहाँ जाके और उसके बाद हम लोग हमारी ग्रॉसरी लेंगे फिर घर आएंगे, ग्रॉसरी को जमाएंगे और डिनर बनाएंगे। पर उससे पहले मैंने सोचा मैं एक बार आप लोगों की कमेंट्स की रिप्लाई कर देती हूँ और फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि फिर मैं आगे नहीं बना पाऊँगी क्योंकि गुड़िया नहीं जा रही है और ऑगी और मैं और दुष्यंत जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने, तो थोड़ा सा हार्ड होगा उस वक्त और शूट करना क्योंकि साथ साथ वीडियो करना होगी को संभालना और थोड़ा मुश्किल जाता फिर ग्रॉसरी लेना। तो मैं एक कमेंट आया था कि मैम आप प्लीज़ अपने ना एक तो यार आप लोग मुझे मैम क्यों बोलते हो, आप प्रियांगिनी बोल दो, ऐसे लगा था मैं कोई बहुत बड़ी हूँ और हो सकता है मैं आपकी सेज में बड़ी होंगी बट कोई बात नहीं, आप मुझे प्रिया बोल दो, किट्टू बोल दो, प्रियांगिनी बोल दो, मैम बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है मैं टीचर हूँ ऐसा नहीं है मैम, आई नो आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो और अच्छा है बट मुझे ऐसा लगा मैम प्लीज़, मुझे लगा नहीं नहीं मैं पत्ती बड़ी नहीं हूँ, मैं तो छोटी हूँ। मैम प्लीज़ शेयर हाउ यू रिमूव योर मेकअप एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन लॉट्स ऑफ लव। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, तो मैं ना सीधा अपना फेस वॉश करती हूँ फेस वॉश से जो मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल, तो मैं उसी से अपने फेस को धोती हूँ और उसके बाद मैं अपने फिर उसको टैप टैप करके सुखाती हूँ और फिर मैं अपना जो मेरी क्रीम है सेटाफिल की वो क्रीम यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं अपना सनस्क्रीन लगाती हूँ। पर गाइज मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या बताने वाली थी कि ना मैं पहले ना जब अपना मेकअप उतारती थी ना तो मैं काफ़ी सारे आई वेट वाइप्स और फेस वाइप्स या फेस जो भी क्लिनजर्स होते थे वो यूज़ किया करती थी, बट मैंने ना फिर मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं उसको करती थी ना तो मेरा स्किन बहुत रफ़ होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ होने लग गया था, तो फिर मैंने सोचा नहीं ये आई थिंक ये अच्छी चीज़, आई थिंक मैं अपनी स्किन को बहुत डैमेज कर रही हूँ। क्यों मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर इतना जब लगाती हूँ मेकअप और उसके बाद फिर मैं उसको यूं कर करके हटाती हूँ, मैंने कहा यार स्किन के साथ मैं ना बहुत अत्याचार कर रही हूँ फेस के साथ में ना, तो फिर मैंने ना तब से ना क्या करना शुरू किया, मैंने जो सीधा अपना फेस वॉश लेती हूँ और अपने फेस वॉश से सीधा उसको अच्छा सा मसाज देके उसको अच्छा सा उसको अच्छे से धोती हूँ, तो फिर मैंने नोट किया कि यार मेरा काफ़ी मुझे खुद को इवन इनफैक्ट मुझे भी ना प्रॉब्लम नहीं होती जब मैं उसको जब धो रही होती ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है कि जब मैं धो रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह कितना मतलब आराम मिल रहा है, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात में मेकअप तक होते हो तो जब आप अपना पानी से या फेस वॉश से धोते हो तो इतना फ्रेश फील होता है ना, तो फिर मैंने कहा भाई मैं इतने दिन क्यों बैठ रही से और वाइप से और आई मेकअप रिमूवर से क्यों फेस को डैमेज कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग सीधा जो भी आप लोग फेस वॉश यूज़ कर रहे हो उससे अपना सीधा फेस वॉश से अपना फेस वाइप करो, बट हाँ आई नो जब वो काजल और लाइनर नहीं हटते तो आप फिर आई मेकअप
जो पैड्स होते हैं उनसे भी हटा सकते हो। और उसके बाद अच्छे से ना जितना हो सके ना क्रीम लगाओ फेस पे, अच्छे से उसको अच्छा से क्रीम लगा के मसाज सा करो और कई देर तक करो, क्योंकि हाइड्रेट होनी बहुत ज़रूरी है स्किन, वरना पता है क्रीम नहीं लगाते ना तो स्किन बहुत ऐसे डैमेज सी होगी। जैसे अब आज मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक और मस्कारा लगा रखा और हल्का सा ऐसे काजल फेरा है, कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है ना, तो मैं ऐसे बता रही थी, मैं यूं टच करी जा रही हूँ। आप सोच रहे होगे यार ये मेकअप ऐसे क्यों हाथ लगा रही है, मैंने कुछ नहीं लगा रखा। और हो सके तो प्लीज़, हाँ मैं अभी जैसे यूं टच कर रही हूँ अभी तो मैं कर रही हूँ, वरना नॉर्मली मैं अपने हाथ को ज़्यादा अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए, बहुत अपने हाथ में जितने भी जर्म्स होते हैं अपने फेस पे आते हैं। तो हाँ, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया कि अपने मुंह को ऐसे, फेस को ऐसे धो और फिर अच्छे से क्रीम लगाओ और फिर सनस्क्रीन लगाना, ठीक है। अब मैं एक और कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कौन सी लिपस्टिक आपने यूज़ कर रखी है दोनों लुक में? तो मैंने दोनों लुक में, मेरी जो एक तो सोर और महर है मैक की, वो दोनों यूज़ कर रखी, तो आई एम नॉट श्योर मैंने उस वक्त सोर यूज़ कर रखी या हो सकता है मैं हमेशा दोनों मिक्स करके भी लगाती हूँ। तो सोर और SOAR सोर एंड ME महर की स्पेलिंग क्या थी इसमें, भूल गई मैं, महर की थी एम महर की या तो MHER थी MEHR ऐसे कुछ था, तो मैक की महर और सोर है ना, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। गॉड, ये बार बार दुष्यंत का फ़ोन लॉक हो जाता है और मुझे वापस से ऑन करना पड़ता है। एक जने ने मुझे बोला है, जीजा बात करते करते चिल्लाने क्यों लग जाते हो? मैं चिल्लाने नहीं लगती हूँ, मेरा मैं ऐसी ही हूँ। आप मुझसे मिलोगे ना तो मैं आप मुझे लिटरली आप, मैं बातें करूँगी ना थोड़ी देर तक, तो धीरे धीरे बोलती हूँ, फिर मैं चिल्लाना शुरू करती हूँ। और मेरे लिए वो चिल्लाना नहीं हो, मेरी वॉइस ऐसी है, मैं तेज बोलती हूँ थोड़ा ना। विदाउट मेकअप आप बहुत अच्छे लगते हो एंड योर स्किन इज सो गुड विदाउट मेकअप ऑल्सो, थैंक यू, बट ऐसा मेरी स्किन को इतनी अच्छी नहीं है यार, ये तो थोड़ा बहुत मेकअप और थोड़ा सा ऑब्वियसली फ़ोन का जो क्वालिटी थोड़ी सी अलग आ जाती होगी वैसे। थैंक यू सो मच। हाँ, और चलो ये एक था, ये कमेंट करा मैंने। और तेजस्विनी राठौर, थैंक यू तेजस्विनी, थैंक यू तेजू, मैं ये पक्का जो आपने मुझे लिखे ना मैं वो यूज़ करना वाली हूँ बहुत जल्दी, और अपने आप को ना फिट करने की कोशिश करूँगी, कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे मीठा देखती हूँ ना खाना शुरू तो यही थे मैंने आज के इस ब्लॉग के कमेंट बताए हैं आपको, थोड़े से ये वाले कमेंट रिप्लाई करें, और मे बी नेक्स्ट टाइम मैं और कमेंट के रिप्लाई करूंगी। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कर दे, मैसेज कर देना। तो चलो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। इफ़ यू रियली लाइक आर व्लॉग्स, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका राठौर व्लॉग्स, एंड प्लीज़ जल्दी से 50K करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।